हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो मैं आ चुका हूँ सिलीगुड़ी की सबसे फेमस जगह पर, जो कि सिलीगुड़ी से कुछ ही दूरी पर है। तो मैं देने वाला हूँ यहाँ का फुल टूर, यह कौन सी जगह है और यहाँ किस तरह से आए हैं, सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। यहाँ पर आपको माउंटेन व्यू देखने के लिए मिलेंगे, जो कि यह नेचर का बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा। यह स्टेशन सिलीगुड़ी से कुछ ही दूरी पर है, जो कि यह सेवक स्टेशन के नाम से जाना जाता है। आप रेल यात्रा करके यहाँ तक मात्र 30 से 35 रुपए में पहुँच सकते हैं सिलीगुड़ी जंक्शन से। मैं आगे चलकर दिखाने वाला हूँ कि सिलीगुड़ी जंक्शन से यहाँ तक किस तरह से पहुँचा हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। ओके गाइस, तो मैं निकल चुका हूँ सिलीगुड़ी जंक्शन से। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। मॉर्निंग 6:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाका देखने के लिए मिलेंगे। स्टेशन पर उतरकर कुछ दूर चलने के बाद हम लोग मेन हाईवे पर पहुँच चुके हैं। यहीं से सेवक ब्रिज बस पास में ही है। ओके गाइस, तो यह एक ढाबा है जिस पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया।
बस रोड के उस पार जाते ही हमारा सेंटर आ जाएगा जहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। हमारे बैक कैमरे से पीछे का सीन आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं इसके नीचे।
ओके गाइस, तो हम लोगों का समय हो चुका है यहाँ से जाने का। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही घूमे और ढेर सारे फोटो क्लिक करवाए। यह जो मेरे सामने एक ब्रिज देख रहे हैं, यही सेवक स्टेशन का ब्रिज है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने देख सकते हैं। हम लोग यहाँ का फुल टूर कर चुके हैं, आप लोग भी इस जगह को ज़रूर विजिट करें। यह बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी जगह है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से घूमा, जो कि बहुत ही मज़ा आया। अब हम लोग वापस निकलने वाले हैं इस जगह से। हम लोग ऊपर की तरफ आ चुके हैं मेन हाईवे पर। इसी के बगल में एक सुंदर सा मंदिर भी है, आप लोग दर्शन के लिए इससे जरूर घूमें। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।